हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है विच इज फूड। आज हम फूड के बारे में पढ़ेंगे, इसके कंपोनेंट्स, इसके सोर्सेस। कोड ऑफ द डे, आज हमारा कोड ऑफ द डे है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। आपको कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए ग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको ग्रेट होना है तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा। फूड वैरायटीज, फर्स्ट है हमारी फूड वैरायटीज। फूड वैरायटीज हमारी कई तरीके की होती हैं, जैसे कि इसमें हम कहीं जगह जगह पर जाते हैं, जैसे हमारे इंडिया में ही ले लीजिए आप, हम अगर अलग अलग स्टेट्स में जाते हैं तो अलग अलग हमारा स्पेशल फूड होता है वहाँ का। जैसे कि इसमें दिया हुआ है हमारा ये साउथ इंडियन फूड, ये हमारा इंडियन फूड हो गया, ये चाइनीज फूड जिसमें नूडल्स आते हैं हमारे, मोमोज आते हैं, ये नॉन वेजिटेरियन फूड हो गया, एंड दिस इज फन फूड और जंक फूड। इसमें हमारे वैल्यूएबल सोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, यानी कि हमारे विटामिंस, प्रोटीन बिल्कुल भी 0% हमारा न्यूट्रिशन होता है इसमें। बच्चे फिर भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, फन फूड उनके लिए फन फूड है क्योंकि ये उनको टेस्टी लगता है। कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, चाउमीन बहुत ही इंटरेस्ट से बच्चे खाते हैं, जबकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू 0% होती है। नेक्स्ट है हमारा फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं हमारे, वन ऑफ द आइटम ऑफ फूड दैट यू नीड टू मेक समथिंग टू ईट। हमें कोई भी चीज़, जैसे हमें बनानी है कोई भी चीज़, उसमें हम क्या क्या सामान यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट। जैसे कि हमने चपाती बनानी है तो हम उसके लिए डो तैयार करते हैं, जिसके लिए हमें आटा और वाटर की ज़रूरत होती है। इन दोनों को फिर हम डो तैयार करते हैं जिससे हमारी चपाती बनती है। दाल बनाने के लिए हमें किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, पल्सेस यानी कि दाल, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस। ऐसे ही हम अगर राइस बनाना चाहते हैं तो हमें राइस और वाटर की ज़रूरत होगी। वेजिटेबल करी बनाना चाहते हैं हम तो उसमें हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे वो क्या होंगे, वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल। तो इस तरीके से हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके लिए जो सामान हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंग्रेडिएंट। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मेन सोर्सेज जो हमारी फूड की होती हैं दैट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, राइस, वीट एट्सेट्रा। और एनिमल्स से हमें मिल्क, चीज, एग, मीट, ये सब हमें किससे मिलता है, एनिमल्स से। तो हमारे मेन सोर्सेज जो हैं हमारे, वो हमारे प्लांट एंड एनिमल्स हैं। प्लांट पार्ट्स एज फूड, ये हमारा एक प्लांट है जिसमें ये हमारी ऊपर वाला ये जो पार्ट है ग्रीन ग्रीन, दैट इज बर्ड। ये जो हमारी लीव्स, पत्तियां जो होती हैं लीव, ये जो हमारा पूरी पतली हमारी ये जो ग्रीन कलर की डंडी टाइप होती है दैट इज स्टेम। और ये जो है ये रूट्स होती हैं जड़ इसकी, और ये जो ऊपर है ये फ्लावर। तो एडिबल हमारा क्या होता है, दैट इज फिट टू बी ईटन एज फूड। तो इस पूरे प्लांट में जो हमारा पार्ट फूड की तरह हम उसे खा सकते हैं, दैट इज फिट टू बी ईटन, दैट इज कॉल्ड एडिबल पार्ट। फ्लावर्स एज फूड, इसका जो फ्लावर है, फ्लावर्स एज फूड, हम जो वेजिटेबल्स खाते हैं वो हमारे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ये सब हमारे क्या है, फ्लावर्स एज फूड। लीव्स एज फूड, स्पिनेच, लेटर्स, ये हम सैलेड में यूज़ करते हैं, कैबेज, ये हमारे लीव्स हैं जो हम फूड की तरह खाते हैं। रूट्स, रूट्स में हमारे बीटरूट, चुकंदर, रेडिश, कैरेट, टर्निप, शलजम, ये सब हम रूट्स हैं ये जो हम फूड में खाते हैं। सीड्स एज फूड, कॉर्न, बीन्स, पीज, ये सब हमारी सीड्स हैं। अंडरग्राउंड स्टेम्स में अनियन, पटेटो, जिंजर, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं विच वी ईट एज फूड। स्टेम्स एज फूड, रबर, एस्फागस,
सैलरी, ये सब सैलेड वगैरह में वेजिटेबल्स की तरह हम यूज करते हैं, इन सबको हम खाते हैं, दैट आर स्टेम्स। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। अभी हमने एडिबल के बारे में पढ़ा, दैट आर फिट टू बी ईटन एज फूड। तो कुछ हमारे प्लांट्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा भी उसमें एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम्स, रूट्स वगैरह, ये हमने अभी इंडिविजुअली पढ़ा। बट कोई कोई प्लांट्स होते हैं जो हमारे दो या दो से ज्यादा भी उसमें एडिबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। तो ये हमारी मस्टर्ड सीड्स हो गई, जो कि इनसे हमें ऑयल भी मिलता है, हम इसको वेजिटेबल में भी यूज करते हैं, और इसके जो लीव्स हैं वो हमारी वेजिटेबल में भी यूज होती है। नेक्स्ट है हमारा स्प्राउटेड सीड्स। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। जैसे कि हमारा कुछ पल्सेस हैं जो हमने रात में इसको पानी में हमने इसको सोक करके रख दिया, फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग में हमने इसको एक गीले कपड़े में बांध कर रख दिया, और फिर हम उसको नेक्स्ट मॉर्निंग अगर देखेंगे तो ये जो वाइट वाइट इसके साइड में है, इसकी पीछे की तरफ एक वाइट वाइट पोर्शन निकल आता है, तो दैट आर स्प्राउटेड सीड्स। इसमें प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो ये हमारे स्प्राउटेड सीड्स कहलाते हैं। जब हमारे ये जो नॉर्मल पल्स है इसको हमने सोक करके रख दिया पानी में, फिर हम गीले कपड़े में बांध कर रख देते हैं, और फिर ये जो वाइट पोर्शन निकल आता है, दैट आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड्स। एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज हर्बीवोरस, नेक्स्ट कार्निवोरस, फिर है ओमनीवोरस। हर्बीवोरस एनिमल्स हमारे कौन से होते हैं? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स ही ईट करते हैं, दैट आर कॉल्ड हर्बीवोरस प्लांट्स। जैसे कि उसमें हमारे आते हैं काओ, एलिफेंट, जिराफ, रैबिट, जेब्रा एटसेट्रा। कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज विच ईट अदर एनिमल्स। जो ऐसे एनिमल्स जो अदर एनिमल्स को खाते हैं वो हमारे कहलाते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, जैसे कि लॉयन, टाइगर, स्नेक एटसेट्रा। ओमनीवोरस एनिमल्स आर दोज विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही ईट करते हैं, दैट आर कॉल्ड ओमनीवोरस एनिमल्स। उसमें हमारे कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं? डॉग, हैन, पिग, ह्यूमन एटसेट्रा। तो बच्चों हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज का आपका होमवर्क है, टुडेज होमवर्क, नेम फोर प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। फोर ऐसे प्लांट्स और उनके पार्ट्स जिन्हें हम ईट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पैरट बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स। आपको बताना है कि पैरट कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है एनिमल्स के, हर्बीवोरस है, ओमनीवोरस है, या फिर कार्निवोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम टू प्लांट्स दैट हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। एडिबल पार्ट्स आपने पढ़े, तो आपको अब दो प्लांट्स ऐसे बताने हैं जिनके टू और मोर एडिबल पार्ट्स होते हैं। ये आपका आज का होमवर्क है, थ्री क्वेश्चंस। आपको इन तीनों के अच्छे से आंसर देने हैं। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताने हैं कि आपने वो चैप्टर कितने अच्छे से पढ़ा, और आपको ये तीनों क्वेश्चंस आते हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देने हैं। थैंक यू। ओके, बाय बाय।